सुरेश कुमार का स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू। देवियों सज्जनों, सम्मान प्यार आभार, इन सबको हमें यदि एक शब्द में जताना हो तो वो शब्द है शुक्रिया। थैंक यू। ये चंद शब्द एक इंसान को दूसरे इंसान से और एक दिल से दूसरे दिल को हमेशा के लिए जोड़ देते हैं। तो इस पूरे हफ्ते केबीसी कहेंगे थैंक यू इंडिया, उन सभी लोगों को कहेंगे जो हमारे देश का आधार स्तंभ है, यानी हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी, सैन्य बल, अग्निशमन दल और न जाने कितने ही ऐसे देश सेवक जो दिन रात हमारे देश और हमारे लिए काम करते रहते हैं। थैंक यू इंडिया के पहले दिन में आज हमारे बीच कुछ मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सेस और वार्ड बॉयज शामिल हैं। इन सभी का इस मंच में मैं चाहता हूं कि सब लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तो इनके साथ अब हम स्वागत करते हैं हमारे इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों का। ये रहा उनका परिचय, जोरदार तालियां बजते रहे उनके लिए भी। सबसे पहले स्वागत कीजिए नासिक महाराष्ट्र से इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट अक्षय शिवाजी कुंड। इसके बाद मिलिए राजकोट गुजरात से एक स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर से, संध्या मकीजा उनका नाम है। गुजरात से चलते हैं जोधपुर राजस्थान की तरफ, जहाँ से हैं हमारे अगले खिलाड़ी डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल में एक सीनियर नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट सविता भाटी जी। और ये अगली खिलाड़ी नाहान हिमाचल प्रदेश से एक डॉक्टर है तरनजोत कौर। बढ़ते हैं मेंढर जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, मिलते हैं एक स्कूल टीचर से सरबजीत सिंह से। हमारी अगली खिलाड़ी नैनीताल उत्तराखंड से है और ये भी एक टीचर है, शक्ति प्रभाकर उनका नाम। उत्तराखंड से आते हैं झाबुआ मध्य प्रदेश में और मिलते हैं एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर से, हंशु रविदास जिनका नाम है। अब आते हैं नागपुर महाराष्ट्र में, मिलते हैं ब्रिगेडियर हरीश रत्ना पारखी से, ये इंडियन आर्मी से सेवानिवृत्त हैं। इसके बाद मिलते हैं बस्तर छत्तीसगढ़ में सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट रेड से डॉक्टर अश्विनी कुमार सिन्हा। और अंत में स्वागत कीजिए असरखेड़े गांव महाराष्ट्र से एक किसान का जिनका नाम है परशुराम पर्डे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, एक बात को जोरदार धन्यवाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कंटेस्टेंट्स आपके साथ खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी, आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के किस शहर में हुआ था? इन विच सिटी ऑफ पंजाब डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए भटिंडा, बी जलंधर, सी लुधियाना, डी अमृतसर। भटिंडा, जलंधर, लुधियाना या अमृतसर। और यह समय समाप्त, आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी अमृतसर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ये रहे उनके नाम, एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय में किसने दिया? शक्ति प्रभाकर जी ने 1.41 सेकंड में दिया है। और लीडर बोर्ड पर जो स्थिति बनती है वो ये कि शक्ति जी पहुंच गया है पहले स्थान पर। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण ने वनवास में कितने वर्ष बिताए थे? How many years did Lord Ram, Devi Sita and Lakshman spend in exile? और आपके options ये आपके सामने, A 10, B 12, C 14, D 16, A 10, B 12, C 14, या D 16। समय समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है C 14। और C में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम, सभी ने सही जवाब दिया लेकिन सबसे कम समय में किसने दिया? शक्ति प्रभाकर जी ने। लीडर बोर्ड पे आपका स्थान जो है वही बना रहेगा, आप पहले नंबर पर थे और आप पहले नंबर पर ही रहेंगे। अब आएगा तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से किस हस्ती को सबसे बाद में नोबेल पुरस्कार मिला है? Who among these won the Nobel Prize most recently? Options ये आपके स्क्रीन के ऊपर, एक कैलाश सत्यार्थी, बी अभिजीत बैनर्जी, सी वेंकटरमन रामकृष्णन, डी मर्त्यसेन।
समय समाप्त और ये जो निर्णय है बताएगा कि कौन हॉट सीट पर आने वाला है। पहले देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है अभिजीत बैनर्जी, जिनको कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल दो ने सही जवाब दिया है और सबसे कम चवाली किसने दिया है? ब्रिगेडियर हरीश जी ने। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है देखते हैं अब वो क्या होता है। हाँ जी? मैंने आपके लिए एक पोयम लिखी है, अगर आप जो बोल दीजिए। बिल्कुल। सिर्फ ऊंचाई से नहीं व्यक्तित्व से ऊंचे हैं अमित जी, सच में अनूठे हैं। जिन्हें कभी आकाशवाणी ने ठुकराया वो आज आकाश तक पहुंचे हैं। अमित जी सच में अनूठे हैं। शोले के जैसे पाके औरों तक जिनकी कलाकारी के किस्से हैं, अमित जी सच में अनूठे हैं। यूं ही नहीं सदी का महानायक कहा जाता, वो सही में महानायक सा जीते हैं। अमित जी सच में अनूठे हैं। सिनेमा ही नहीं असल जिंदगी के तारे हैं, जो करोड़ों दिलों के आसमान में रहते हैं। अमित जी सच में अनूठे हैं। उनसे मिलना एक सपने से कम नहीं, चलो आज उस सपने को जीते हैं। अमित जी सच में अनूठे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सामने इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी हॉट सीट पर आ गई हैं। ये राजकोट गुजरात से हैं और एक स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर हैं, जिनका नाम है संध्या मखीजा जी। संध्या जी, पहले तो ये बताइए कि ये औहदा होता क्या है, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर? सर, मैं GST डिपार्टमेंट है जो हमारा, उसमें स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर हूँ। एंड हमारा काम जो है वो अच्छे लोगों की ज़्यादा हेल्प करना, अच्छे लोगों का काम आसान करना, और जो बुरे लोग हैं उनका काम उतना ही मुश्किल करना है। लाइक कि जो लोग ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, उनकी इतनी मदद करना है, और जो ब्लैक मनी और वो सब रखते हैं उन पर नज़र भी रखना है। तो वो लोग बुरे लोग हैं और अच्छे लोग, उनका आप परिवर्तन करते रहते हैं। तो अगर GST किसी ने समय पर नहीं दिया उस पर फाइन देना पड़ता है ना? यस सर। उनको आप पकड़ते हैं? यस सर। और फिर फाइन लगा देते हैं? यस सर। 10,000 तक का फाइन लगता है अगर आपने GST नहीं भरा हो तो। सर आपने तो भरा है ना? देवी जी, अगर हमने ना भरा होता ना तो हमको यहाँ बैठने नहीं देते। पकड़ के ले जाते हैं आप जैसे लोग, हमको बंद कर देते हैं अंदर। ऑलराइट संजय जी, जी सर, अब आपका ध्यान जो है टैक्स मामलों से हटा देते हैं, और इसका जो मामला है ना टैक्स का, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ से जितना आप जीत के जाइएगा उसको कृपा करके भर दीजिएगा, उस पर GST दीजिएगा, वरना आप ही का कोई साथी आकर के पकड़ लेगा आपको। ओके संजय जी, आप अपने कंपेनियन के रूप में शायद अपनी माताजी को लाई हैं। प्रणाम करता हूं आपको, नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा दुर्गा बेन। एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत। ओके संजय जी, जल्दी से आपको जो खेल के नियम है वो मैं समझा देता हूं। एक एक करके आपके पास 15 प्रश्न आएंगे और उनका एक मूल्य है। सही जवाब जैसे आप देते जाइएगा वो आपको मूल्य मिलता जाएगा। 1,000 रुपये से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते पहुँच जाएंगे आप 15 प्रश्न पर 1 करोड़ तक। ये धनालय देख रहे हैं यहाँ खड़ा हुआ है। ओके, यहाँ जाने के लिए 2 पड़ाव पड़ते हैं खेल में। 5वें प्रश्न पर 10,000 का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 का। 10वें प्रश्न को पार करने के बाद हमारा एक 16वां प्रश्न है, सप्तकोटि द्वार, 7 करोड़ रुपए का, वो द्वार खुल जाता है। खेलने के लिए यहाँ पर एक धुगधुगी जी चलती है, दिल की धड़कन, ये देखिए, सुना आपने? जी सर। ये पहले 5 प्रश्नों तक आपको देंगे 45 सेकेंड, 5 से 10 तक देंगे 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के बाद ये शांत हो जाएंगे। इसके बाद हम एक चेतावनी देते हैं अपने कंटेस्टेंट को कि चांस मत लीजिएगा, और चांस न लीजिएगा इसलिए हमने 4 लाइफलाइन रखी आपकी। ये देखिए आ गई, सबसे पहले है ऊपर इधर ऑडियंस पोल, फिर है 50-50 हैं, उसके बाद फ्लिप द क्वेश्चन, और अंत में है आस्ती एक्सपर्ट। तो जो हमारे आज के
एक्सपर्ट है, उनसे आपका परिचय करवा देता हूं मैं। तो हमारे आज के एक्सपर्ट देवी और संजय और संध्या जी, वो हैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी। वेम्बू शंकर जी प्रकट होइए हमारे सामने, और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। देश सेवा के साथ साथ बतौर एक्सपर्ट ये हमारे खिलाड़ियों की भी बहुत सेवा करते रहते हैं, तो वेम्बू शंकर जी एक बार फिर आपका स्वागत। ऑल द वेरी बेस्ट संध्या जी, जैसे आप टैक्स से निचोड़ निकालते हैं और ऐसी क्वेश्चन से निचोड़ निकाल के आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच कर्नल। तो कर्नल साहब हमारे साथ रहेंगे, जब भी आपको उनकी आवश्यकता पड़े आप उनसे मदद मांग सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट संजय जी तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से किस पक्षी को मनुष्य की बोली की नकल उतारने के लिए जाना जाता है? Which of these birds is known for mimicking the human speech? A. Pigeon, B. Sparrow, C. Parrot, या D. Indian Rola? कबूतर, गौरैया, तोता या नीलकंठ? सर सी, तोता। तोता, श्योर हैं? जी सर। कर दे कंफर्म इसको? जी सर। ताला लगाइए सी पर कंप्यूटर जी, आपने सही उत्तर दिया है। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके सामने ये रहा, किसी काम में महारत हासिल करने के लिए किए गए नियमित अभ्यास को क्या कहा जाता है? Which of these words is used to denote the regular practice done to master a skill or an art? Okay, समझ गए प्रश्न को? विकल्प समझिए, ए इबादत, बी रियाज, सी नाफरमानी या डी मुकम्मल। नाफरमानी, मुकम्मल, रियाज, इबादत, ये हैं चार विकल्प। सर बी रियाज। बी रियाज कंफर्म कर दिया? कंफर्म। ताला लगाइए बी पे कंप्यूटर जी, सही जवाब है ये बिल्कुल। 2000 ये दिया। आप भी जैसे बहुत रियाज करती होंगी सुबह सुबह प्रातः काल उठ करके, गाने के लिए नहीं, कैसे किसको टैक्स वाले को पकड़ा जाए है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना? ऑलराइट, ओके संध्या जी, अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं तीसरा प्रश्न, ठीक है? तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक मानक कंप्यूटर कीबोर्ड की पहली पंक्ति की कुंजियों पर अंकित एफ अक्षर का क्या अर्थ? What is the letter F labeled on keys on the first row of a standard computer keyboard stand for? समझ गए प्रश्न को? और ये रहे विकल्प आपके सामने, A formula, B function, C font या D factor? Standard computer keyboard. फंक्शन ही है लेकिन आई एम नॉट श्योर सर। लाइफलाइन। शांत हो जाइए, दुख दुखी जी, लाइफलाइन लेना चाह रही हैं? चारों लाइफलाइन जीवित हैं आपके, कौन सी लेंगी? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट ऑडियंस, आपकी बारी आ गई, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और मदद कीजिए संजय जी। प्रश्न तो आपने सुन लिया होगा और आपका समय शुरू होता है अब। नब्बे प्रतिशत दिया है बी को सर, बी फंक्शन। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही है जनता, वेल प्लेड। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं चौथे पर, ठीक है? चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाँ ये एक ऑडियो प्रश्न है संजय जी, ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है? खत्म होने से पहले ही आपके चेहरे पर मुस्कान बता रही कि शायद इसका उत्तर मालूम है आपको, लेकिन अगर थोड़ी देर और बच जाते तो क्या था, थोड़ा नाच लेते गा लेते हम लोग भी। विकल्प रखता हूं आपके सामने संध्या जी, ये रहे वो नाम, ए आलिया भट्ट, बी अनुष्का शर्मा, सी जैकलिन फर्नांडिस या डी कैटरीना कैफ। सर सी, प्लीज कंफर्म सी, जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन फर्नांडिस, चोर है? Sure, सुना है, देखा है आपने? यस सर। देखा है जी सर। इतना समय मिल गया आपको, सी पे ताला लगाएं ताला
जी सर। ताला लगा दीजिए सी पे कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने संजय जी, बधाई आपको। सबसे फेवरेट आपके कौन है कलाकारों में? सर एक तो सामने ही बैठे हैं। अच्छा ये इसलिए नहीं पूछा था प्रश्न? जी सर। न जाने आप हमसे ये सब प्रश्न क्यों पूछवा देते हैं, हर बार ऐसे ही। जी सॉरी। प्रियंका चोपड़ा जोनास है फेवरेट। वो बहुत अच्छी कलाकार। जी सर। संजय जी आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, इनमें से क्या भारत का एक फसल उत्सव नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया? ए बैसाखी, बी पोंगल, सी बिहू या डी हरतालिका तीज। बैसाखी, पोंगल, बिहू, हरतालिका तीज। सर प्लीज कंफर्म डी, हरतालिका तीज। श्योर है? जी सर। कह रहे हैं ये डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई। ये जो है हरतालिका तीज ये वर्षा ऋतु में मनाया जाता है, हार्वेस्ट के टाइम पे नहीं। इस दिन स्त्रियां जो हैं वो भगवान शंकर और देवी पार्वती की पूजा करती हैं। ऑलराइट देवी जी, बहुत बहुत बधाई, 10,000 रुपये कम से कम ले जाएंगे। थैंक यू सर। हालांकि हम जितनी भी महिलाएं आती हैं उनसे उनकी उम्र नहीं पूछते हैं, क्योंकि कहते हैं महिलाओं की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको पता चला है कि आप 24 वर्ष की हैं। जी सर। 24 वर्ष की इतनी कम आयु में आपने इतना बड़ा औहदा जो है वो प्राप्त कर लिया है, क्या ये आपकी पहली नौकरी थी या किस उम्र से आप काम कर रही हैं? सर मैं 4 साल से गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम कर रही हूँ। अच्छा, 4 साल से आप काम कर रहे हैं? जी सर। यानी 20 साल की उम्र से आप इस डिपार्टमेंट में? 19 ईयर्स सर। इतनी कम उम्र में आपने काम शुरू कर दिया? सर एक्चुअली ऐसा था कि फैमिली में लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी। मेरे पापा जो है वो रोड साइड पे फ्रूट बेचा करते थे। एंड आई बिलोंग फ्रॉम सिंधी कम्युनिटी, सिंधी। हमारे यहाँ पे ना सर 18 साल की अगर लड़की हो जाए तो उनकी शादी करा दी जाती है। हम लोग 4-5 भाई बहन हैं, तो जो भी देखता था वो ऐसे बोलता था पापा को कि आपकी तो 4-4 बेटियाँ हैं, आपके तो बाल ज़्यादा जल्दी से सफ़ेद हो जाएंगे, लाइक ये सब बोलता था ना। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं कुछ ऐसा करूँ कि I just wanted to prove them wrong actually. जी जी. I was preparing for medical MBBS के लिए prepare कर रही थी and हो भी गया था admission, but due to family situations की वजह से admission नहीं ले पाई। तो I thought कि इससे अच्छा कि मैं job join कर लेती हूँ graduation के बाद, और इससे family को भी जो financial situation है उनको भी support मिल जाए and I could be an example, और मैं उसके साथ साथ मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनकी भी पढ़ाई को उनको भी इंस्पायर करूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े एक्चुअली। इतनी कम उम्र में इतना ध्यान दे रही हैं आप इतनी कुछ बातों पर, अद्भुत बात है ये आप। और आजकल देखिए जितनी धारणा है ये बदल रही है, महिलाएं जो हैं जगह जगह देखिए कितनी महिलाएं बैठी हुई यहाँ पर, और सब के सब ऐसे कामों में लगी हुई हैं जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो ऐसा सोच लेना कि महिला जो है केवल उसको ब्याह करके भेज देने का है ये गलत धारणा है। उसको एक अवसर दीजिए अपने आप को शिक्षित करने का, क्योंकि शिक्षित होने के बाद वो समाज के लिए देश के लिए न जाने क्या क्या एक उदाहरण बन के काम कर सकती है। लाइक सर अगर इक्वल राइट्स मिले हैं, अगर मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे और मेरे भाई में अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, तो अगर इक्वल राइट्स हैं तो इक्वल ड्यूटी क्यों नहीं? बहुत बहुत अच्छे विचार हैं आपके। आप बहुत अच्छा उदाहरण बन गई हैं संध्या जी। हमारे खेल में आप जैसी महिलाएं जब आती हैं तो एक बहुत अच्छा एक स्वभाव एक वातावरण पैदा होता है। हमारी जितनी भी जनता देख रही है कार्यक्रम उनमें जितनी महिलाएं हैं उनको बड़ा गर्व होगा, और जितने भी पुरुष हैं और जितने भी और बुजुर्ग हैं उनको आपने एक सबक सिखाया है कि महिला जो है बेटी जो है वो भी उसका बहुत प्रथम स्थान होता है एक परिवार में। ओके
एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं संजय जी इस सोच के बारे में। ओके, खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको दुगदुगी जी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड देंगे। आ रहा है छठा प्रश्न। एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, ये एक वीडियो प्रश्न है। इस फिल्म की कहानी किस जानवर को पकड़ने के इर्द गिर्द घूमती है? द प्लॉट ऑफ दिस फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड द कैप्चर ऑफ विच एनिमल? विकल्प सुनिए, ए टाइगर या बाघ, बी एशियाटिक लायन, एशियाई सिंह, सी क्लाउडेड लेपर्ड या डी ब्लैक पैंथर। सर फिल्म का पता है कि द वाइट टाइगर है। आई वॉज लाइक कि कभी सुना था कि वाइट टाइगर है, लेकिन स्टोरी है शेर की, शायद ऐसा मेरे माइंड में है, पता नहीं सही है कि नहीं। पता है एशियाई सी है शायद। सर 50-50 लेंगे? यस सर। ऑलराइट, शांत हो जाएं दुगदुगी जी, बोला ना जाए तो आप चलती चली जाती हैं। ओके, 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रही हैं संध्या जी। कंप्यूटर जी, इसको तो पहले अंकित कीजिए और दो जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। सर ए बाघ। ए बाघ, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, शेरनी इस फिल्म का शीर्षक है। डायरेक्टेड बाय अमित वी मसूरकर जी, शेरनी इसका नाम था। रिवॉल्व्स अराउंड द कैप्चर ऑफ अ मैन ईटिंग टाइगर। ओके, तो देवी संजो, ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा, इसके लिए टी सीरीज को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। संजय जी आगे बढ़ते हैं। अब आएगा सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए के लिए सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, ये भी एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको संजय जी। रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किस नदी के किनारे इस किले का निर्माण करवाया गया था? ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर वॉज दिस फोर्ट बिल्ट बाय रानी अहिल्याबाई होलकर? कैन यू सी द इमेज प्लीज? देख लिया, और ये रहे ऑप्शंस। ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी तापी या डी बेतवा। अहिल्याबाई होलकर इस लाइक महाराष्ट्र से हैं, तो तापी नर्मदा बेतवा तो आएगा नहीं, गोदावरी आ सकता है। लाइक इट विल बी आल्सो अ ग्रेस वर्क। सर गोदावरी। चोर है जी सर, गोदावरी पे ताला लगाइए। अरे देवी जी, ये गलत हो गया आपका उत्तर। दो लाइफलाइन आपके पास थी। नर्मदा सही उत्तर है। अहिल्या किला, जिसे महेश्वर किला भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के महेश्वर शहर में स्थित है, और रानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी के दौरान यहां पर शासन किया था। कोई बात नहीं संध्या जी, जी सर। आप जीत रही थी अच्छी खासी रकम, लेकिन अब वापस आ गई आप 10,000 पे, और ये जो 10,000 आपने जीते हैं ये डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर दबाएंगे, 10,000, 1, 2, 3 और कन्फर्म किया, और ये आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त तुरंत पहुंच गया है 10,000 रुपए। तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर। थैंक यू सो मच संजय जी। तो
तो देखा आपने संजय मखीजा जी यहाँ से 10,000 रुपए जीत कर गए और समय है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से कौन सा वस्त्र मुख्य रूप से शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता है? Which of these pieces of clothing is primarily worn on the bottom part of the body? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए कुर्ता, बी घाघरा, सी चोली, डी टी शर्ट। कुर्ता, घाघरा, चोली या टी शर्ट, बॉटम पार्ट ऑफ द बॉडी। हो गया समय समाप्त, सही उत्तर क्या है देखा जाए। सही उत्तर है बी घाघरा। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। ये रहे उनके नाम, एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय में किसने दिया है? सविता भाटी जी ने 1.73 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पर जो स्थिति बनती है, सविता जी प्रथम स्थान पर पहुंच गई। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से किस टीम ने कभी इंडियन प्रीमियर लीग नहीं खेला है? Which of these teams has never competed in the Indian Premier League? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए कोची टस्कर्स केरला, बी डेक्कन चार्जर्स, सी केरला ब्लास्टर्स, डी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। ए बी सी डी, क्या है सही उत्तर? समय समाप्त हो गया, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी, केरला ब्लास्टर्स। किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है ये देखें, तीन को छोड़कर सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय में किसने दिया? डॉक्टर अश्विनी कुमार ने। और लीडर बोर्ड पर जो स्थिति बनती है वो ये, सविता जी आगे थी और सरबजीत सिंह आगे पहुंच गए हैं नंबर वन स्थान पर। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, आलिया भट्ट की इनमें से कौन सी फिल्म सबसे पहले रिलीज हुई थी? विच ऑफ दीज फिल्म स्टारिंग आलिया भट्ट वॉज रिलीज फर्स्ट? और आपके ऑप्शन ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ए हाईवे, बी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, सी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, डी उड़ता पंजाब। हाईवे, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, डी उड़ता पंजाब। समय समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। अब देखते हैं किसने सही जवाब दिया है। सभी ने एक को छोड़कर सही जवाब दिया और सबसे कम समय में किसने दिया है? हंशु रविदास जी ने। और लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? सर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ आने के लिए और आज आपका परिश्रम, जितनी भी आपने मेहनत की है वो पूरी हो गई है। यस, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको सरबजीत सिंह। उन्हें पापा के साथ ताश में जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप मिल सकते हैं। आशीर्वाद ले लिया है आपने पिता का, ये बड़ी अच्छी प्रथा है हमारे देश में। Yes. बड़ों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, आपको भी उनका आशीर्वाद मिलता रहे, हमारी यही कामना है। और आज आप खेल में खूब बढ़िया खेलें, आपसे खूब बातें करेंगे। संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं, महेंद्र जम्मू एंड कश्मीर से, एक स्कूल टीचर जिनका नाम है सरबजीत सिंह। सरबजीत जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और ये जो जगह है जम्मू एंड कश्मीर में मेंढर, ये है कहाँ एक्चुअली? सर मैं बताना चाहूँगा, बड़े फेमस पोइट हैं अमीर खुसरो जी, उनकी कुछ लाइंस हैं, अगर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इसका मतलब है इस पूरे विश्व में अगर कहीं जन्नत है वो तो यही है, यही है, यही है। उस कश्मीर का एक छोटा सा पार्ट है पुंछ, मेंढर, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। आप अगर आज यहाँ ना आते तो किसी को पता ही नहीं चलता इस जगह के बारे में। बिल्कुल सर। और उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से जितनी भी आपको मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो। ऑलराइट,
तो कंपेनियन के रूप में आज आप शायद अपने पिताश्री को लाए हैं और अपनी पत्नी को लाए हैं। सत श्री अकाल बाजी, बहुत बहुत सत श्री अकाल। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम परमजीत सिंह सहानी है। परमजीत सिंह जी। और मेरा नाम संदीप कौर सहानी। ओके जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। ऑलराइट सरबजीत जी, खेल के जो नियम है उसकी जानकारी तो है आपको, चलिए खेल आगे बढ़ाते हैं। चांस बिल्कुल मत लीजिए, इसलिए आपके लिए चार लाइफलाइंस रखी हुई और लाइफलाइन आपको जीवित रख सकती है। तो जो हमारे आज के एक्सपर्ट है उनसे आपका परिचय करवा देता हूँ मैं। प्रेम शंकर जी, तालियों के साथ एक बार फिर आपका स्वागत। सत श्री अकाल सरजीत सिंह, ऑल द वेरी बेस्ट, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच कर्नल। ऑलराइट सरजीत सिंह जी, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सरजीत सिंह, यू प्ले वेल। पहला प्रश्न, ₹1,000 आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस जगह आपको काम पर मेहंदी कलाकार मिलने की सबसे अधिक संभावना है? In which of these places are you most likely to find a mehndi artist at work? A. Press conference, B. Wedding, C. Corporate meeting, D. Daler mehndi concert. Sir, B. Wedding. B. Wedding. Confirm? Yes sir, wedding confirm. ताला लगा दिया जाए wedding पे? बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। Alright, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, ₹2,000 आपके सामने ये रहा। मानव शरीर में नाड़ी दर को जांचने के लिए आप दो उंगलियां कहां रखेंगे? Where would you usually place two fingers to check the pulse rate in the human body? A. Heart, B. Cheeks, C. Forehead, या D. Wrist? दिल, गाल, माथा या कलाई? Sir, D. Wrist. रिस्ट, यस सर। ताला लगा दें? यस सर। डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आज तो सर मीटर आ गया एक जिसमें। हाँ, यस सर, उससे भी वो मीटर से पता चल जाता है क्या पल्स रेट। पल्स रेट। लेकिन कई बार जो है ना भाई साहब, वो मीटर जो है गलत बता देता है, वो फ्लक्चुएट करता है। हाँ, काफी। और हंसी आपको कहाँ से आ रही है? ये जितना मेडिकल प्रोफेशन बैठा है इधर, ये जानते हैं क्या होता है? क्योंकि अस्पताल में वो ऑक्सीमीटर होता है ना, yes, उसके अंदर उंगली डालो, वेट करो, बटन दबाया, फिर वो हार्ट रेट बताएगा और बताएगा आपका पल्स भी। लेकिन उस पर वो कई बार विश्वास नहीं करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, है ना? तो ये लोग स्वयं जो है इसको पकड़ेंगे, yes, sir, जो और हाथ से नापेंगे उसको। सर मेरा है ही नहीं। ओहो, सॉरी सर। सर मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था ना, उस समय बहुत कुछ इन्होंने काटा फूटा था, अभी इधर बंद हो गया है। तो कई बार मैं मजाक करता हूँ, भाई सर मेरा जरा पल्स देख लीजिएगा, वो ढूंढ ही नहीं पाते हैं। अरे यार ये क्या, आपका तो पल्स ही नहीं है। हम कहते हैं अरे पल्स नहीं तो हम जिंदा कैसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सरजीत सिंह। ये आ रहा है तीसरा प्रश्न आपके सामने, मूल्य है इसका ₹3,000। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। अस्सलाम वालेकुम कहने पर पारंपरिक रूप से लोग क्या जवाब देते हैं? Which of these is a traditional response to अस्सलाम वालेकुम? ऑप्शन सुनिए। ए इंशाअल्लाह, बी सुभान अल्लाह, सी वालेकुम सलाम, या डी शब्बा खैर। सर सी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सी को कह रहे हैं। ताला लगाया जाए? लगा दीजिए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया है। मुस्लिम संस्कृति में एक दूसरे का अस्सलाम वालेकुम के साथ अभिवादन करते हैं, जिसका अर्थ है आपको शांति मिले। जिसके जवाब में दूसरा आता है वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं, जिसका अर्थ है आपको भी शांति मिले। ऑलराइट, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर, मूल्य है इसका ₹5,000। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। इस भारतीय क्रिकेटर के ट्विटर के यूजर नाम को पूरा करें, डैश Turbinator. Complete the Twitter username of this Indian cricketer dash Turbinator. Dash ko bharna hai aap. Option suniye. A. Harshdeep, B. Harbhajan, C. Jaspreet, D. Navjot. Sir, option B. Harbhajan.
हरभजन टर्बोनेटर बी के साथ जाएंगे। यस सर। लगाया जाए ताला कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, 5000 ले लिया। ड्यूरिंग हरभजन्स प्लेइंग डेज ही वाज निकनेम्ड द टर्बोनेटर व्हिच वाज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टर्मिनेटर इन प्रेज ऑफ हिज विकेट टेकिंग कैपेबिलिटीज। वो उखाड़ देते थे दूसरे का विकेट। क्रिकेट वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? वहाँ आप अवसर नहीं मिलता होगा। टीवी वगैरह घर पे होता होगा? सर वहाँ मैंडर में तो मेरे पास टीवी नहीं है। अच्छा, पर मोबाइल पे अगर कनेक्टिविटी हो तो कोई मैच आ रहा हो तो मोबाइल पे देख लेता हूँ। आमतौर पर जब ये शले वगैरह होती होगी तो बंद कर देते होंगे? कब? हम मोस्टली बंद हो जाती है। जी जी। बट अगर आप डाउन टाउन में अगर आए तो वहाँ कनेक्टिविटी होती है। हाँ जी सर। ओके ऑलराइट। तो सरबजीत सिंह, हमने एक वीडियो बनाया हुआ है आपके ऊपर, वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद खेल को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? ये जो वादियाँ आप देख रहे हो ये किसी जन्नत से कम नहीं है। चारों तरफ पेड़, ताजी हवा, खुला माहौल, मतलब नेचर एट इट्स बेस्ट आप बोल सकते हो यहाँ पे है। मेरा नाम सरबजीत सिंह, बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। मेरा स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल डराना, और ये स्कूल जो है ये बिल्कुल बॉर्डर के करीब है। मेरे इस तरफ राइट साइड बैक में, वहाँ से सामने हमें पाकिस्तान के शहर, पाकिस्तान के टाउन भी दिखते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि स्कूल टाइम पे ही शेलिंग हुई है, बच्चों को सेफर एरिया में रखने के लिए हमारे स्कूल के बिल्कुल सामने यहाँ नीचे दो बंकर्स बने हुए। ये एरिया ना मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया भी रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे, ताकि उनका जो माइंड सेट है वो दूसरी तरफ ना जाए। जुलाई 2004 की बात है, हमारे घर पे किसी ने ट्रांजिस्टर बम प्लांट किया था, जिसको मेरे बड़े भैया ने देखा, घर के गेट पे था, वो ब्लास्ट हो गया। हम यहाँ से शिफ्ट होकर जम्मू चले गए, और उसके बाद डेस्टिनी मुझे वापस यहीं लेके आई है। डेस्टिनी ने यही सोचा कि इसका ये फर्ज है कि अगर इसने यहीं से सब कुछ लिया है तो मुझे इन्हीं बच्चों को वापस ये सब कुछ देना है। और जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, वो इसी राइट ट्रायंगल पे ही है। ये जो मेरा एरिया है ना, पर्टिकुलरली पुंछ, मैंडर, ये जब भी नेशनल न्यूज में आता है तो ये बॉर्डर फायरिंग, बॉर्डर शेलिंग, मिलिटेंसी, इन्हीं के लिए ही आता है। मैं चाहता हूँ कि लोग पहचाने कि हाँ, जब मैं हॉट सीट पे बैठूँ कि यहाँ मैंडर पुंछ से पहली बार कोई नेशनल टीवी पे जाके अमिताभ जी के सामने बैठा है, उससे मेरे पूरे एरिया की एक अपलिफ्टमेंट होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर बच्चे कुछ बनेंगे, सोसाइटी होगी, अच्छी होगी, तो हमारा देश जो है वो डेवलप करेगा। कैसी परिस्थितियों से आप और अपना आपका जो परिवार है वो गुजरा, हम समझ सकते हैं, लेकिन जो आपने बात कही वो ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा महत्व रखती है कि जहाँ से मुझको सब कुछ मिला है मैं वापस वहीं जा कर के जो कुछ भी दे सकता हूँ वो देना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत बधाई। ये बॉर्डर से कितने नज़दीक है ये स्कूल? सर जो मेरा स्कूल है अभी वो हार्डली 2 या 3 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। कई बार ऐसा हुआ है ड्यूरिंग द क्लासेस, जब क्लास वर्क चल रहा है तब कहीं बॉर्डर शेलिंग स्टार्ट हो गई है। हमारे स्कूल के आसपास मतलब यू कैन से 100 मीटर दूर कहीं एक आपके शेल गिरा या कहीं, तो उस समय जो वहाँ की सिचुएशंस है बड़ी डरावनी सी सिचुएशंस हो जाती है स्कूल में। जी। मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि बच्चे जो हमारे वो सेफ रहे, क्योंकि बच्चे यंग माइंड हैं, जैसे कोई शेल कोई गिर रहा है तो वो थोड़े से एक्साइट भी हो जाते हैं कि कहाँ हम देखें जरा। तो सबसे पहले कि उनको हम सेफली क्लासरूम्स में रखें, उनको कहीं इंगेज कर लें किसी एक्टिविटी में ताकि वो बाहर ना जाएं। दूसरा, अगर ज़्यादा हो रहा है तो इमीडिएटली उनको बंकर्स में हमें शिफ्ट करना होता है। फिर जो हमारे स्कूल के हेड हैं वो
जो लोकल टीचर्स हैं वहाँ पे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाते हैं कि ये 10 या 15 बच्चे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेफली आपने घर पे इनको सब बच्चों को घर पे पहुँचाना है, चाहे रात के 8 बज जाए, 7 बज जाए, छः, आपको इन बच्चों को सेफली घर पहुँचाना है जैसे कैसे, फिर आपको अपने घर आना है। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम के लिए ऑर्डर हो जाता है कि स्कूल एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए स्कूल अभी बंद रहेगा जब तक इस चैलेंज है। बट मैं थैंक्स बोलूँगा अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, जब से उन्होंने सीज फायर किया हुआ है, आई थिंक 6 या 8 मंथ्स हो चुके हैं, अभी लोगों को वहाँ मतलब बड़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि जब से वो बॉर्डर शेलिंग अभी नहीं हो रही है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि पहले क्या था, बॉर्डर्स पे शेल्स एक्सचेंज हो रहे थे, बॉम्ब्स एक्सचेंज हो रहे थे, बट अभी 1-2 महीने हो गए, जैसे ईद हुआ है या और रक्षाबंधन हुआ है, इंडिपेंडेंस डे हुआ है, अभी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्वीट्स एक्सचेंज हो रही हैं और लोग इतने खुश हैं वहाँ पे, वो यही चाह रहे हैं कि हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्वीट्स ही एक्सचेंज हो, ना कि बॉम्ब्स एक्सचेंज हो। सर जी जी, हम ये अच्छी बात कही आपने। अभी गवर्नमेंट का जो है कि जहाँ बच्चे हैं उनकी शिक्षा वहीं पे हो, क्योंकि अगर वो दूर होंगे तो उनको, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी इतना नहीं है, तो उनको फिर स्कूल में पहुँचना वो मुश्किल होगा, जो छोटे छोटे बच्चे उनके घर भी घर के पास ही स्कूल होना चाहिए। उनकी मनस्थिति क्या होती होगी, मेंटल स्टेट क्या होता होगा ये सोच करके कि मेरे स्कूल में एक बंकर बना है, माहौल जो है, जो वातावरण जो है, वो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करता होगा उनको। उनकी स्टडी को तो काफ़ी इफेक्ट करता है ये, क्योंकि उनके माइंड में हमेशा रहेगा, ये चीज़ रहती भी है कि क्या पता आज स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में जाके क्या होगा जी। तो मतलब उनका जो मेंटल स्टेटस है वो हमेशा थोड़ा सा ऐसे रहेगा, डर 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 में ही रहते हैं वो। एक चीज़ और है सर, काफ़ी सारे जो बच्चे हैं ना वो फर्स्ट टाइम लर्नर हैं, क्योंकि जो फादर मदर है वो कई बार वो पढ़े हुए नहीं हैं, तो उनका भी ये है कि हमारे बच्चे पढ़े, तो इसलिए हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि ये अगर आगे कहीं शिफ्ट भी होना चाहते थे, पढ़े होंगे तो अगर किसी जॉब में जाएंगे तो आगे जाएंगे। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सरबजीत सिंह जी, 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस नाम का अर्थ है युद्ध में धैर्य या नियंत्रण रखने वाला? Which of these names means one who keeps patience or control in battle? ये रहे विकल्प, ए रणधीर, बी रंजीत, सी रणवीर या डी रणविजय। रणधीर लग रहा है, रणविजय, रंजीत, रणवीर, रणधीर। सर लाइफ लाइन लेना चाहूंगा। लेकिन लाइफ लाइन शांत हो जाए, काफी आसान सा है ये, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है रणवीर और रणधीर के बीच। ओके, कौन सी लाइफ लाइन लेंगे आप? सर ऑडियंस फोन, ऑडियंस फोन लेना चाहिए। ऑडियंस मदद कीजिए सरबजीत सिंह जी की, ये अंकित हो गया है, 15 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। ५८% दिया है रणधीर को ए, शायद आप भी उधर ही जा रहे थे सर, क्या करेंगे सर? मैं ऑडियंस के साथ, ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, ए रणधीर पता लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, बिल्कुल सही जवाब है आपका, रण। हमने सोचा आपको आपको पता चल जाएगा, रण होता है युद्ध, धीर होता है धैर्य रखने वाला, तो रणधीर, हाँ रंजीत और रणविजय का अर्थ युद्ध में विजयी और रणवीर का अर्थ युद्ध का योद्धा होता है। ऑलराइट, तो सरबजीत जी 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, 10,000 रुपये जीत गए हैं। अब दुगदुगी जी आपको 60 सेकंड देंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के। ये है 6ठा प्रश्न 20,000 रुपये के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। १८७२ में महाराजा गुलाब सिंह द्वारा शुरू किए गए वार्षिक दरबार मूव की प्रथा को किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में समाप्त कर दिया है? Which Indian state or union territory recently ended the practice of an annual Darbar move which was started by Maharaja Gulab Singh in the year 1872? Option suniye,
ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी पंजाब। इसका ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर को सर कंफर्म कीजिए। कर दे यस सर। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, जबकि जम्मू शीतकालीन राजधानी हुआ करता था। जम्मू में सर्दियों के 6 महीने और श्रीनगर में गर्मियों के दौरान प्रशासन काम करता था। 20,000 हो गए। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने, 40,000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। ये एक सरबजीत जी एक ऑडियो प्रश्न है। ये गाना किस जोड़ी पर फिल्माया गया है? ऑप्शंस सुनिए सरबजीत सिंह जी। ए ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह, बी धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी, सी राजेश खन्ना एंड डिंपल कपाड़िया, डी सुनील दत्त एंड नरगिस। ऋषि कपूर, नीतू सिंह, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, राजेश खन्ना, डिंपल कपाड़िया, सुनील दत्त और नरगिस। बहुत ही प्रचलित गाना था ये। सुना है सर कभी, बट क्या लग रहा है आपको? सर ए और सी में थोड़ा सा ऋषि कपूर, नीतू सिंह। पंद्रह सेकंड रह गए, क्या करें? लाइफलाइन। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे। 3 बची हुई आपके पास, बताइए कौन सी लाइफलाइन। 50-50। ऑलराइट, अंकित कर दीजिए इसे कंप्यूटर जी, और 2 जो गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। बचे हैं ऋषि कपूर, नीतू सिंह, सुनील दत्त, नरगिस। सर ऑप्शन ए ऋषि कपूर, नीतू सिंह। हाँ, ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है आपका। तेरे चेहरे पर लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार, संगीत निर्देशक खयाम, कभी कभी फिल्म का नाम था। इसमें शशि कपूर थे, राखी जी थी, वहीदा रहमान जी थी, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, यश चोपड़ा जी ने इसको डायरेक्ट किया था। एक कलाकार और था जो बताने में जरूरत नहीं है इसकी, वो आपके सामने बैठा हुआ है। ऑलराइट, संदीप कौर जी, आपसे एक प्रश्न पूछना मुझे। जी सर। ये आपको फिल्में वगैरह दिखाने ले जाते हैं कि नहीं? जी सर, जी ले जाते हैं। जी कहाँ? उधर सर, यस। शहर में? जी। तो जब आपका फ्री टाइम होता है तो क्या करती हैं आप? सर बच्चों के साथ ही होती हूँ सर, बच्चे अभी छोटे हैं, बेटी है 3 साल की, बेटा भी 1 साल 4 महीने का है। ओके। उन्हीं के साथ सारा दिन बतीत करती हूँ सर। जी जी, ऑलराइट। शॉपिंग वगैरह करने का अवसर नहीं मिलता होगा? सर मिलता है जब ये आते हैं घर पे। जब तक नहीं आते तब तक शॉपिंग नहीं होती है? नहीं सर, तब तक तो नहीं होती। एक्चुअली बच्चे छोटे हैं सर अभी। होती है सर, ऑनलाइन तो बड़ी होती है। तो आपके साथ परिवार आपके नहीं रहते ना सर? नहीं सर, मैं अकेला रहता हूँ सर। वहीं रहते हैं। और फिर आना जाना पड़ता होगा आपको सर? जम्मू से दूर है अभी? सर जम्मू से जो मैंडर है, मतलब अपनी गाड़ी पे मुझे 6-6.5 घंटे लग जाते हैं सर। इतनी दूर? यस सर, 220 किलोमीटर दूर है सर वो जम्मू से। तो हिली एरिया है पूरा। हाँ, तो बहुत धीरे जाना पड़ता होगा। ओके, ऑलराइट। अब आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। 8वां प्रश्न है, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा 8वां प्रश्न। ये एक वीडियो प्रश्न है सरबजीत जी। 2017 में ये किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे? From which constituency was he elected to the Legislative Assembly in the year 2017? Video dikhaya jaye computer ji. 18 point program jo mere Kharge committee ne di thi, uske baad mere Kharge committee mein Mr. Kharge aur Congress president ke sath mulaqat hui. Maine wo 18 points ka jo humne प्रोग्रेस किया, जहाँ ख़त्म भी, कई पॉइंट्स तो ख़त्म भी हो गए, हमने कर दिए भी, कर भी दिए, वो नहीं मालूम था उनको। सो वो बातें तो ख़त्म हो गई, अब जो 2-4 बातें रह गई वो हम कर देंगे। पहचान तो लिया होगा आपने। ऑप्शंस रखता हूँ आपके सामने सरबजीत जी। ये रहे ऑप्शंस, ए कपूरथला, बी पटियाला अर्बन, सी नाभा या डी जिंद। सर बी पटियाला अर्बन। पटियाला से अर्बन? ताला लगा दिया जाए। यस सर। बी पे ताला लगाया जाए।
Well played, sir. It's the right answer. 80,000 रुपए जीत गए आप. पटियाला के पूर्व शाही परिवार के हेड अमरिंदर सिंह जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य, इंडियन आर्मी में वो कैप्टन रैंक पर थे. ऑलराइट. अभी संदीप जी कह रही थी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, काफी मिस करते होंगे आप उनको जब आप जाते हैं काम पे. बहुत ज्यादा सर जी, क्योंकि अभी 2-3 साल हुए हैं कि पेरेंटहुड आया. जी हाँ जी. पहले कुछ लाइफ कुछ और थी जी, तो 3 सालों में लाइफ थोड़ी सी चेंज हो गई है. कई बार ऐसा होता था कि बच्चे वीडियो कॉल करते थे, कनेक्टिविटी खत्म हो गई, कुछ हुआ तो बात भी नहीं हो पाती थी जी. तो फिर बच्चों को भी हमेशा ऐसा लग रहा था कि पापा कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं. मैं मतलब शाम को 4 बजे का टाइम है स्कूल ऑफ होने का जी, तो मैं वहाँ से 4 या 4:30 बजे जम्मू के लिए निकलता था. तो रात को 11 बजे या 12 बजे घर पहुँचना, और मेरी बेटी 12 बजे तक गेट पे खड़ी हो रही है कि पापा आ रहे हैं. कभी आपने नहीं सोचा कि आपका ट्रांसफर हो जाए वहाँ से, आप नज़दीक आ जाएं परिवार के? ट्रांसफर के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ जी जी. ऐसा है कि अगर मुझे कोई म्यूचुअल मिलता है, म्यूचुअल इन द सेंस कि मेरी जगह अगर वहाँ पे कोई जाता है और मैं उसकी जगह वहाँ पे आता हूँ, तो फ्री ट्रांसफर हो सकती है. तो ऐसा अभी मुझे बाय गॉड ग्रेस एक मेरा फ्रेंड मिला है. अच्छा, तो हम कोशिश कर रहे हैं, तो शायद हमारी हो जाए ट्रांसफर. ऑलराइट सर अभिजीत जी, आगे बढ़ते हैं. नवा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए के लिए. ये रहा नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर. ये प्रश्न भी एक तस्वीर है. इस चित्र में दिखाई दे रहे वैज्ञानिक ने किस विस्फोटक पदार्थ का आविष्कार किया था? Which explosive was invented by the scientist seen in this image? Can we see the image? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. ये रहे ऑप्शंस: ए डायनामाइट, बी एटॉमिक बॉम्ब्स, सी ब्लैक पाउडर, या डी नाइट्रोग्लिसरीन. डायनामाइट, परमाणु बम, ब्लैक पाउडर या नाइट्रोग्लिसरीन. स्कूल में पढ़ा होगा या कई ज्ञान प्राप्त किया होगा. डायनामाइट. डायनामाइट. यस सर. फाइनल लॉक कर दिया जाए. डायनामाइट एक हो. काफी समझ लिया आपने सर. अल्फ्रेड नोबेल मुझे लग रहा है. अल्फ्रेड नोबेल ने क्या क्या आविष्कार किया था ये आपको पता था? मान्यवर नाइट्रोग्लिसरीन बोलते तो गलत होता, एटम बॉम्ब बोलते तो भी गलत होता, अगर आप ब्लैक पाउडर बोलते ना तो भी गलत होता. ये बिल्कुल सही जवाब है आपका. डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन, सॉल्वेंट्स और स्टेबलाइजर से बना एक विस्फोटक पदार्थ है. इसका आविष्कार स्वीडिश रसायन शास्त्री और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल, जिसका आपको ज्ञान था, आपने पहचान भी लिया है, वेल डन, ने किया था. 1867 में इसका पेटेंट जो था वो करवाया गया. इन्हीं के नाम पे अब नोबेल प्राइज जो नोबेल प्राइज भी इनको मिला था. ऑलराइट, वेल प्लेड सरबजीत जी. चांस बिल्कुल मत लीजिएगा सरबजीत सिंह जी, आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन बची हुई हैं. 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर. ये रहा वर्ष 2021 में पहले खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ था? Where did the first ever Khelo India Winter Sports Festival take place in the year 2021? Options suniye: A. Zanskar, B. Srinagar, C. Gulmarg, ya D. Gangtok. Winter Sports Festival. Gulmarg lag raha. Lifeline. लाइफलाइन लेंगे आप? ऑलराइट, शांत हो जाएं दुखदुखी जी, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं सरबजीत जी. ओके, तो 2 लाइफलाइन जो बची हैं वो है फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट.
फ्लिप द क्वेश्चन, फ्लिप द क्वेश्चन, बदल दें इस प्रश्न को. ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी. अब जैसा कि आप जानते हैं सरबजीत जी, ये प्रश्न हटा दें, एक नया प्रश्न आएगा. जाने से पहले इसका हमको सही उत्तर बताना पड़ेगा. आप कह रहे थे गुलमर्ग. यस सर. देखें ये सही होता या नहीं. भाई साहब बच गए, ये गलत होता. सही उत्तर है जंस्कार. केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कारगिल जिले के जंस्कार के पदुम में पहले खेलो इंडिया जंस्कार विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ किया. जंस्कार को एक पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए इस खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था. अच्छा, आम तौर पर लगता है कि वो गुलमर्ग होगा क्योंकि वहां पर बहुत से लोग स्कीइंग वगैरह करते हैं, तो हो सकता है. लेकिन उस स्थान को, संस्कार को बढ़ावा देने के लिए जो खेल मंत्री थे उन्होंने इसको प्रोत्साहित करने के लिए उस स्थान चुना था. ऑलराइट, तो अब इस प्रश्न को हटा देंगे. तो एक सूची दी थी हमने आपको, आपसे कहा था कि किसी एक विषय को चुनिए. ये थी वो सूची. और क्या चुना आपने? माई सिटी माई स्टेट. माई सिटी माई स्टेट. ओके कबीर महाशय, माई सिटी माई स्टेट के आधार पर अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए सरबजीत सिंह जी. श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, वो किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ऑफ श्रीनगर, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, इज लोकेटेड इन द फुटहिल्स ऑफ विच माउंटेन रेंज? ऑप्शन सुनिए. ए नुनकुन रेंज, बी नंगा पर्वत रेंज, सी पीर पंजाल रेंज, डी जबरवान रेंज. सर ऑप्शन डी जबरवान रेंज. श्योर है? श्योर है सर. 100% श्योर है सर. डी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर महाशय. सो वेल प्लेड, दिस इज द राइट आंसर. और जीत लिया आपने 3,20,000 रुपए. बधाई बधाई बधाई, ताली बज जाए जोर से. चेक आ रहा है इनके नाम 3,20,000 रुपए. सरबजीत सिंह जी, 3,20,000 रुपए का चेक ये आ गया है आपके नाम. ऑल राइट, 10 प्रश्न हो गए सरबजीत सिंह जी. कुछ चीजें जल्दी से. ओहो यार, हुटर बजे, आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा सर. तो जबरवान रेंज जो आपने उत्तर दिया वो बहुत ही सही था. कश्मीर घाटी में स्थित पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय रेंज के बीच एक छोटी सी उप पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं जबरवान रेंज. अब आज का खेल तो यहीं समाप्त करना पड़ेगा. तो देवियों सजनों, देखिए हर दिन यहाँ इस मंच के जरिए आप सबका जो प्यार मिलता है, यही मेरी ऊर्जा है और यही मेरी प्रेरणा भी है. साल दर साल इसे यूं ही बनाए रखने के लिए मैं भी आप सब से कहना चाहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया. शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि. गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू. थैंक यू सो मच ऑडियंस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. प्लीज कीप इट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you.